हेलो, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक तंदूरी चाय एट होम। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट वी नीड फॉर तंदूरी चाय, माँ जी घर पे नहीं है इसलिए पक्की पता नहीं किधर है, हम चंगेर से काम चलाएंगे। लिप्टन, शुगर एंड ऑल पर्स। गिरने लगा था वैसे। डोंगी, छन्नी छन्नी, क्या ये क्या कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, वो चाननी और कप। तो इसके लिए हमें चाहिए एक छोटा सा कटोरा या हांडी और अंगीठी। अंगीठी के बगैर भी आप जमीन में चारों तरफ ईंटे लगा के दरमियान में कोयले रख सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे अंगीठी रखी है, यहाँ पे मैं आप कोयला डालूंगा। तो इसको करता हूँ पीछे, यहाँ पे अभी मैं डालूंगा कोयला। ये कोयला ज्यादा है तो जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही यूज करूंगा, बाकी मैं साइड पे रख रहा हूँ। तो इतना कोयला बहुत है। थोड़ा सा मैंने बैटर ले लिया आग चलाने के लिए, आप कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आग जब कम होने लगी, जो कोयले हैं जिन्होंने अभी तक आग नहीं पकड़ी, इसको अपने आग के ऊपर रखते जाना। कुछ इस तरह से जहां जहां से भी आग निकल रही है वहां वहां पर आपने कोयले के साथ कवर कर देना। कोयले को ना उल्टा करेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। अब मैं इसके छोटे पीसेस कर रहा हूँ। कोयले तैयार हो चुके हैं और ये मैं जो बर्तन है इसके ऊपर रख रहा हूँ। पहले मैं बर्तन को गर्म करूँगा तकरीबन कोई 5 मिनट। ये अब पूरी सपोर्ट के साथ खड़ा हो चुका है। बर्तन गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बात ये है कि एक मैं फीकी चाह नहीं पींदा, एक मैं ठंडी चाह नहीं पींदा, तो एक जिस चाह विच पानी होए मैं वो चाह नहीं पींदा। आप मर्जी से अगर पानी डालना चाहें, उसका कहवा बनाना चाहें, तो आप वो कर सकते हैं, अलबत्ता मैं नहीं कर रहा। 2-3 मिनट गुजरने के बाद मैं इसमें पत्ती ऐड कर रहा हूँ। जितने भी आप लाइक करते हैं आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पत्ती डालने के बाद मैं इसको ढक रहा हूँ ताकि कोयला इसके अंदर ना चला जाए। साथ साथ हल्की हल्की सी हवा देनी है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अंदर का माहौल चेक कर लेते हैं। चार अदर छोटी इलायची भी मैं डाल रहा हूं। इसके साथ ही मैं चीनी भी ऐड कर रहा हूं। जितनी आप चाहें अपनी जरूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। साथ साथ थोड़ी थोड़ी हवा देते रहना। दस से बारह मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं देखता हूँ अंदर क्या चल रहा है।
वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी। चाय तकरीबन पक चुकी है, मैं तकरीबन 3 से 5 मिनट इसको और दूंगा। टोटल टाइम मैंने 10 से 15 मिनट चाय को दिए हैं। आप चाहें तो तेज हवा देकर जल्दी भी चाय बना सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप सुकून से आराम से चाय बनाएं। चाय का कलर बहुत ही अच्छा आया है, इसके अंदर मिट्टी और कोयले दोनों की खुशबू शामिल है। चाय पक चुकी है जनाब, अब इसको मैं कप में डालने लगा हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।